फोन नहीं दे रहा है सर। अच्छा, फोन की हाँ गड़बड़ हो रही। कितना बड़ा, कितना बड़ा। अंडी मैंने बहुत अच्छा साग बनाया। हेलो गाइज, मेरा नाम है देवव्रत राणा और आप सभी का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। आप सभी को राम राम, आप सब होंगे अच्छे। तो अभी मैं जा रहा हूँ खेत में, खेत में रोटी लेने के लिए जा रहा हूँ। छोटी बेबी को देख लो क्या कितनी प्यारी लग रही है आज चुबह चुबह, क्योंकि इसके सिर पर रुमाल बांध दिया था, टोप्पा नहीं बंधवाना चाह रही थी। वो तनी वाला आता है वो टोप्पा, तो बंधवाना नहीं चाह रही थी, तो हमने इसका सिर पर रुमाल ऐसे करके बांध दिया, तो कितनी प्यारी लग रही। तो खेत में से आने के बाद दीदी को लेने जाना है, शिवाराम को लेने जाना है, तो इसलिए जल्दी करूँगा कुछ खेत में, जल्दी से काट के आ जाऊँ, तभी चलते हैं। तो लो भाई, गांडे पड़े हैं और बंदर कैसे चूस रहा है इन गांडों को, ये देख लो। बंदर बहुत आराम से अपने बैठ के सुबह का नाश्ता कर रहा है, गांडे चूस रहा है आराम से बैठ के। ये विक्की खुद ही चल रही है, ये देख सकते हो आप सामने कितनी धुंध हो रही है, क्योंकि सर्दी आने लग रही है इसलिए धुंध भी होगी। और खेत देख लो कितने प्यारे लग रहा, ये देख लो कितने प्यारे खेत लग रहे हैं, क्या बात। मैं आ चुका हूँ खेत में और मैं आपको छोटी सी दिक्कत बता देता हूँ। चलो कोई बात नहीं, जो कुछ हुआ हो गया, दिखा देता हूँ आपको। ये देख लो, जो रात बिजार आए थे उन्होंने हमारी सारी ज्वार ऊपर ऊपर से सारी खा दी है, ये देख लो कितनी छोटी कट दी है। ये दिखा देता हूँ आपको, ये देख लो ऐसे खा रखी है, सब ऐसे ही खा रखी है, देख सकते हो आप। ऐसे अंदर भी बढ़ के सब तोड़ दी और ऊपर से खा भी दी, बताओ क्या करे, क्या इलाज है। अब जो कुछ भी बच रही है बस वही काटने पड़ेगी, इलाज तो कुछ है नहीं, क्योंकि रात आए बिजार, एक दो नहीं कितने सारे आए होंगे, मुझे पता है पक्का कितने सारे आए होंगे, और सब ने ऊपर ऊपर से सब ज्वार खा दी, ये देख लो। दो भरोटी तो कट गई, एक तो ये रही और दूसरी वो सामने वो रही। तो अभी चलते हैं ना बांध के घर, विक्की पे रख के चलते हैं घर। मैं आ चुका हूँ घर और मम्मी साग साफ कर रही है, ये देख लो साग को अच्छे से साफ कर रही थी। करते हुए बता देता हूँ आपको क्या निकला, ये देख लो, ये निकला है जोंक, ये कीड़ा निकला इसमें से, हम तो कीड़े कहेंगे चीची, जो भी है खून चूसने वाला है वो, ये देख लो इसका मुंह देख लो। अच्छे से साग साफ करे सभी। तो मम्मी से बता दो मम्मी क्या करना है, साग को अच्छे से साफ करो, देख कर नहीं देखो कितना बड़ा कीड़ा निकला। ये देख लो ये साग में से निकला है, अच्छे से साफ करो जैसे मम्मी अभी कर रही है आराम से बैठ के। बाबू क्या पटनी निकाला, अरे भाई, ओ भाई निकाल ली भाई, रो धो के जैसे भी निकाली, छोटी बेबी ने पटनी निकाल ली। बाबू ऐसे तो निकलने वाली नहीं थी, तेरे पापा पे भी नहीं लिख रहती ऐसे तो आगे लगा आगे। चलो चलते हैं, मैंने गाड़ी निकाल ली है और सीधा वहीं मिलेंगे शिवा के पास। ये देख लो आपद की पुड़िया आ चुका हूँ, आपद को ले ले और क्या है फिर। हम आ चुके हैं घर और अभी अभी आए हैं और साथ में बुढ़ाने से पानी पता चलाए हैं। शिवा आपने खाए एक नंबर वन, खा लिया आपने, खा के देखे एक खाया, अच्छा लगा आपको, सही है। यार नाना दे दे की हो चुकी है लड़ाई, पानी पता सुबह। नाना ने खा दिया है देते के सारे पानी पताशे पताशे, और छोटी बेबी खा ही नहीं रही, वो छोटी बेबी दादी के पास बैठी है। आप क्यों नहीं खा रहे, कुछ जो है ना चने भरे हैं या छोले भरे हैं। पानी पताशे तो खा लिए थे और खाने के बाद फिर खाना खाने का मन नहीं किया, भूख ही नहीं लगी, तो इसलिए अभी मैं सो रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा नींद आ रही है, तो उठ के मिलते हैं आपसे फिर। ये देख लो ये क्या कर रहे हैं दोनों के दोनों, आप उठ का पूरी हो,
हाँ ओ ये छोटी बेबी उठ चुकी है और ये लो भाई इनकी लड़ाई होगी दिखे भाई छुटानी पड़ी थी दिखे भाई लड़ाई होगी दिखे इनकी फोन के चक्कर में गिरना चाहिए शिवा बट्टा पीछे को गिर जाइए। आप सब कैसे हो? हम भी ठीक है। आज साग चूल्हे में बनाओगे? दरात है नहीं, चक्कू तक काटना पड़ रहा, दरात भी लाना पड़ेगा, मगर चक्कू तक ही काट लू। हंडी में बनाओगे आज साग? मैं हंडी में साग दे दूंगी। हांडी मैंने बहुत अच्छा साग बने, इतना स्वादिष्ट साग बने कुकर का फैल। आज हांडी में जब मैं सो के उठा तो मम्मी वीडियो बना रही थी साग की, तो फिर मैंने फोन नहीं लिया। जब से मम्मी वीडियो बनाने पर लग रही थी तो अभी लिया है मैंने फोन, अभी थोड़ा काम कर लेते हैं। हम आपको दिखाएंगे अभी शिवा का तूफानी डांस। अभी गाना लगाने के लिए जा चुका है शिवा राम। आओ जल्दी आओ शिव, एक डांस आपका हो जाए। ओ ये छोटी बेबी भी कर रही है, ओए गिर गई। चलो भाई चलो गाना बजाओ भाई, छोटी बेबी डांस करेगी, उठ जाओ। ये शिवा का डांस चल पड़ा है। अभी गिटार बजाने में व्यस्त है लड़का। ये नन्नू अपना हो चुका है डिनर टाइम, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख लो दूध हो चुका है और ये साग जो मम्मी ने बनाया था उसमें देसी घी भी पड़ा है। वाव, ये है मूली के कतले जो सिरके में डुबोए जाते हैं, कुछ टाइम तक रखे जाते हैं तो फिर अच्छे से गल के मूली के कतले तैयार हो जाते हैं और खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वाद लगते हैं जो सिरके में गिरे जाते हैं। और ये अपनी रोटी होगी और खाते हैं। खाना तो हो चुका है, अभी मैं दिखाता हूँ छोटी बेबी और शिवा की लड़ाई चल रही है। ओए खेल रहे हैं, लड़ाई नहीं खेल ही रहे हैं, दिखाता हूँ आप। ये देख लो ओले भाई, पकड़ो 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 वो पकड़ो भाई पकड़ो 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 कागला भाई छोटी बेबी शिवा को पकड़ रही है। हटा रहा उन्नीपा गुस्सा ना दिखा, आजा आजा उठ जा, उन्नीपा गुस्सा ना दिखा, आजा आजा भाई आजा। ओ आ जाओ, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, क्या हुआ? कहा होगा भाई, दादी की गोदी में बैठा, ये फोन ले रहा, ये फोन नहीं दे रहा। अच्छा फोन की गड़बड़ हो रही।
खोज ले खोज ले फोन खोज ले। अच्छा मैं भी पैर लूं। हाँ खड़े हो ना कौन जुत्ती पैरो। और ले भाई यू क्यों हुए यू क्या करा देखो चिवा चिवा बुला रहा आपको चिवा चिवा बुला रहा। देख दादी को फोन ले रहा जल्दी दादी को फोन ले रहा जल्दी जल्दी खोज ले जल्दी खोज ले। मैं ना ले रहा घड़ी फोन ले ले दादी के पास फोन है मगर इस पता ना उतरे सोफे पता है खाट के तलो खुली गिर गया। ले भाई उठा ली बोल उठा ली छोटी बेबी ने शिवा को दे दो आप शिवा को दे दो कितना पड़ा कितना पड़ा। बस 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 आराम से क्या करे मजे कहाँ जा रहे हो बोल बोल ले क्या। चलो गाइस इस ब्लॉग को मैं करता हूँ यहाँ पर ही समाप्त। आपको अच्छा लगा तो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को देखते रहना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में अभी के लिए करता हूँ बाय बाय।